बेटा अभी तक हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना, एंड मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये हमने जाना, डिफिनीसन जाना, कुछ यूजेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे करते हैं मैं ओरली आप लोग को बता देता हूँ। मैट्रिक्स का यूज हम लोग कॉमर्स में करते हैं, कंप्यूटर साइंस में करते हैं, और लीनियर इक्वेशन, बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूएबल मेथड के थ्रू, हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। बस इतना मैट्रिक्स का यूज होता है, वाइडली बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। 3 या 4 टाइप के मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैट्रिक्स होता है बेटा, वो होता है हमारा रो मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? रो मैट्रिक्स। अब आप देखना रो मैट्रिक्स में होता क्या है। रो मैट्रिक्स में याद रखना, सिंगल रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। सिंगल रो, नंबर ऑफ कॉलम, जो भी मैट्रिक्स होगी उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब आते हैं थोड़ी डिफिनीशन पे। जैसे मैंने डिफिनीशन लिखा, एनी वन क्रॉस एन, क्या लिखा बेटा मैंने, वन क्रॉस एन, वन इज द रो एन इज द कॉलम। एनी वन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एनी वन क्रॉस एन मैट्रिक्स विच हैव, देखना डिफिनेशन क्या लिख रहा हूं, विच हैव ओनली, विच हैव ओनली वन रो एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। उसे क्या बोलेंगे बेटा? रो मैट्रिक्स। कभी कभी इसको हम बोल देते हैं रो वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? रो। अब एग्जांपल पे आते हैं, सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल होता है। एक रो बनाना है, 1 2 3, ये मैंने कॉमन दिया, ये गलत है। वैसे मैट्रिक्स में आपको कॉमन नहीं देना होता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। हम इसको लिखेंगे 1 2 3, इसको लिखेंगे बेटा कितने इसमें रो हैं, एक कॉलम कितने, 1 2 3, यानी लिखेंगे 1 क्रॉस में 3। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर रो एंड देन कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। दूसरा एक एग्जांपल ले लो बाबू, ऐसे लिख लिया 1 और 2, इसको लिख दिया मैं 1 क्रॉस 2। तो ये हमारा है रो मैट्रिक्स का एग्जांपल। सेम सेम इसी पे आएंगे हम लोग, करेंगे कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है देखो, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होते हैं बेटा, सेम यही रिप्रेजेंटेशन होता है। हम लिखते हैं एनी, देखना वर्ड सेम सेंटेंस सेम, एनी एम क्रॉस वन मैट्रिक्स विच हैव एम रोज एंड वन कॉलम। क्या होता है बेटा? वन कॉलम्स इच कॉल्ड रो कॉलम मैट्रिक्स। बाबू कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या है ये हमें नहीं पता, बस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कि सर अब कॉलम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल बेटा, वन कॉलम है ना और वन रो है, तो हम लिखेंगे 1 यानी 1 2 3, बनाते जाओ इसी में। अब देखो कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टल गेट काउंट करना, 1 2 3, यानी 1 रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, लेकिन कॉलम क्या है, सेम, इसलिए लिखेंगे 3 क्रॉस 1, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। इसी तरह एक मैट्रिक्स और बना लेते हैं, 1 और 2, इसका हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 1। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बेटा, ये ऑर्डर जो है हमारा एक चीज और रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कोई पूछे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि 1 2 3 3 एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज या फिर एलिमेंट के बारे में पता चलता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, चलो आगे चलते हम लोग। थर्ड हमारा है बेटा नल मैट्रिक्स। क्या है हमारा? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है, नल मतलब होता है खाली, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल हमारे 0 एलिमेंट हो, केवल 0। एक टाइप से इसे हम और क्या बोल सकते हैं, 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू इसको? 0 मैट्रिक्स।
अब इसको हम डिफिनेशन आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं कि जीरो मैट्रिक्स मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो, जितने भी हमारे मैट्रिक्स हो से उसमें सारे एलिमेंट हमारे जीरो होंगे। अगर मुझे दे किस क्रॉस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स, आपका जवाब होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, यानी दैट इज कॉल्ड योर नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। यानी अगर डिफिनेशन भी लिखना चाहो तो मैं आपको ओरली बता देता हूं कि द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? चल आगे। चौथा हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो होता है हमारा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स की केवल एक डिफिनेशन होती है, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम 80% क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देखो बाबू, इसको नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए, मतलब कि जितने रो हों उतने कॉलम। फॉर एग्जाम्पल 4 2 -1 2, देखो ये 2 क्रॉस 2, यानी क्या हो गया हमारा कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। इसी तरह देखो 3 क्रॉस 3 का बेटा, 4 3 2 1 2 3 0 2 और 4, यानी 3 क्रॉस 3, इसे क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होती है बेटा वो होता है हमारा डायगोनल। क्या होता है डायगोनल? इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखना इस बात को। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसे नहीं बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा कभी भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होता है, हमेशा हम इसी डायगोनल को कंसिडर करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कंसिडर करते हैं बेटा? डायगोनल। ये हमारा था बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, देखो बेटा यहाँ पे 3 मैट्रिक्स के बारे में आपको हम बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मैट्रिक्स होगी। बाबू ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं आपको 3 चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ये, दूसरा हमारा होता है बेटा एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? यूनिट मैट्रिक्स। याद रखना तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, फिर बोल रहा हूं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, जैसे मैंने 2 क्रॉस 2 ले लिया, मैंने ले लिया 1 0 0 2, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर वो जीरो हैं तो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में याद रखना क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स की भी यही डिफिनीशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में, केवल इसमें डिफिनीशन ये क्या होता है किसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तीसरा आपका है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में बता रहा हूँ आपको 90% यूनिट मैट्रिक्स पे ही आपके मैट्रिक्स में क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम किसी भी ऑर्डर का बना सकते हैं लेकिन वह स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 2 ऑर्डर 2 की हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, हम लिखेंगे 0 0 और 1। अब बात आती है कि सर क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है? 100% हो सकती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कभी भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकती। स्केलर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन आपके स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स हमारे क्या हो सकते हैं, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स हमारा डायगोनल भी हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स हमारा डायगोनल, यानी दोनों हो सकता है। क्योंकि डायगोनल में ये कहता ही नहीं दिया गया है कि दोनों एलिमेंट हमारे सेम हो या फिर डिफरेंट। उसने कहा है कि केवल डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। इट इज कॉल्ड योर ऑल अबाउट ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने सारी चीजें डिटेल में समझा दी। अब इसके बाद जो आपकी टॉपिक आती है वो आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। लोग उसे नाम देते हैं बेटा, बताते हैं मैट्रिक्स अलजेबरा। क्या बोलते हैं उसको? अलजेबरा। यहां पे हम पर्टिकुलर फोकस करेंगे सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर जिस बच्चे को स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस बच्चे को हमारा मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया, समझ जाना उसका मैट्रिक्स 80% कंप्लीट हो गया। जिसे ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया डिटरमैट्रिक्स का, समझ जाना उसका 80% मैट्रिसेस खत्म। अब बात आती है पहले जो सिंपल है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। इससे बेटा याद रखना आपका फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक से आप लोग लगा रहे हो तो उसका फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, अगर मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आपको समझा दिया तो आपका चौथा टॉपिक खत्म। अब बात आती है कि सर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। बेटा जैसे सिंपल करते हैं वैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टू मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स से ले लिया बेटा 3 4 5 6। सब्ट्रैक्शन में याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन उसी का पॉसिबल है जिसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेम इन द सेंस कि अगर आपका ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की है तो ये दूसरी वाले जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी मैट्रिक्स हमारी 2 ऑर्डर 2 की होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं बताओ इसका ए माइनस बी कितना होगा, तो देखो हर एलिमेंट के उसी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस में 4 तो कितना आएगा -1। 4 माइनस में 5 कितना आएगा बेटा -1। 5 माइनस में 6 कितना आएगा हमारे पास -6। 6 माइनस 7 कितना आएगा -1। दैट इज कॉल्ड योर ए माइनस बी। ये किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2। ये किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2। यानी दोनों की ऑर्डर सेम होगी तभी मैट्रिक्स हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन होगा। मल्टीप्लीकेशन में ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती। सेकेंड आपका आता है ए प्लस बी, निकाल लो बेटा इसी का। ए प्लस बी का मतलब हो गया अब जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए वही यहाँ पे ऐड कर दो। 3 प्लस 4 कितना होगा? 7। 4 प्लस 5 कितना होगा? 9। 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। और 6 प्लस 7 कितना होगा बेटा हमारे पास? 13। तो यानी ये हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए, है ना आसान? सब्ट्रैक्शन हो गए और ये हमारा बेटा हो गया एडिशन। क्या हो गया हमारा? एडिशन। अब बात आती है बेटा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन में आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। याद रखना मल्टीप्लीकेशन जब भी करने जाना तो आप ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करना। पहली बात कि लास्ट का जो हमारा कॉलम होना चाहिए, लास्ट का जो कॉलम फर्स्ट का, वो सेकेंड वाले का रो के बराबर अगर है। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे अगर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं बता रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना कि इस मैट्रिक्स का पहला रो पकड़ो, पहला रो, और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का क्या पकड़ो? कॉलम। यानी हमें ए बी निकालना है बेटा। क्या निकालना है? ए बी। चलो ए बी निकालना है तो ए बी पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो। पहले निकालना क्या होगा हमारे पास? A11, A12, A21 और A22। देखो ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो यानी इसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 ही बनेगी मैट्रिक्स आपकी, ठीक है। चलो अब बात आती है सर A1 निकालें कैसे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ओरली भी कर सकते हो लेकिन फर्स्ट टाइम है हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। देखो पहला रो पकड़ो, पहला कॉलम। पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 प्लस। सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 24 यानी 36। यानी हमारा A11 एलिमेंट कितना है? 36। ध्यान समझना इस बात को। अभी हमने फर्स्ट रो पकड़ा, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, अभी सेकेंड कॉलम। यानी पहले रो को पकड़ के तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक सेकंड वाले का कॉलम खत्म ना हो जाए। चलो अब देखो सेकंड निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे बेटा A12। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वही सेम, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 3 इंटू 5 और 4 इंटू में 7 कितना आएगा हमारे पास? 15 और प्लस में 28। इसको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 43। अब आते हैं सेकंड, पहला खत्म, पहला रो के साथ हम दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म। अब आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड रो सेम प्रोसीजर वही रिपीट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी हम लिखेंगे A21
सेकेंड रो कितना है, फाइव एंड सिक्स, और फर्स्ट कॉलम कितना है, दिस, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो फाइव इंटू में फोर और सिक्स इंटू में सिक्स, कितना आया हमारे पास, ट्वेंटी प्लस में 36 यानी 56। इसी तरह हम निकालेंगे बेटा ए टू टू, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कितना आएगा, फाइव इंटू फाइव और सिक्स इंटू में सेवन, कितना आएगा, 25 प्लस में 42 यानी हमारा आ जाएगा सेवन और चार दो छः यानी सिक्स। यानी अब हमें जो मैट्रिक्स मिली है मल्टीप्लीकेशन की, 36, 43, 56 और 67, दैट इज योर ए क्रॉस बी। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि जैसा मैंने आपको मैट्रिक्स बताया है अपने मन से मैट्रिक्स बना के आप सॉल्व करो, बस इतना याद रखना कि इसका कॉलम और इस वाली मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है।